हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सोशल मीडिया पर मतलब फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर किसी अनजान लड़की से फनी चैट कैसे कर सकते हैं, इतनी फनी कि वो हमसे इम्प्रेस भी हो जाए और हमारे बात करने के टॉपिक भी निकलते रहें। तो ये कैसे करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने फनी चैट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इससे कहा था हाय, तो इसने कहा हेलो। तो बहुत कम लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो पहले मैसेज में रिप्लाई दे देती हैं, लेकिन इसने दे दिया। तो जब इसने कहा हेलो, मैंने कहा कैसी हो, इसने कहा अच्छी हूँ, आप कैसे हो। तो मैंने कहा मैं बहुत हैंडसम हूँ, प्रोफाइल देखो मेरी। तो यहाँ पर इसने कहा मैंने लुक नहीं पूछा। तो यहाँ पर मैं इसको मतलब जानकर ऐसी बात कर रहा था ताकि हमारे टॉपिक निकलते रहें। तो मैंने कहा तो इसने कहा मतलब तुम ठीक हो। मैंने कहा वो तो तुम पर डिपेंड करता है ना, मैं तुम्हें ठीक लगता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर जब मैंने इससे ये बात बोली तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा बचपन से ही ऐसे हो या दिमाग चल गया है। तो यहाँ पर इसने जब ये बात बोली तो मैंने कहा नहीं रे पगली, दिमाग चलता थोड़ी है, वो तो एक ही जगह रहता है। तो यहाँ पर ये बोलकर मैं हंसने लगा। इसने कहा चलो तो मैं चलती हूँ। मैंने कहा कहाँ। तो इसने कहा तुम मुझे पागल कर दोगे। तो यहाँ पर मैं इससे ऐसी ऐसी बात कर रहा था तो ये मतलब इसलिए बोल रही थी कि तुम मुझे पागल कर दोगे। तो जब इसने ये बात बोली तो मैंने इसको ये वाला मीम सेंड किया, रोना आ गया तेरी बात सुनकर। तो यहाँ पर मतलब लड़कियों को जो ना मीम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, अगर उन्हें फ़नी मीम्स भेजते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आती है और बहुत ज़्यादा वो तुम पे काफ़ी हद तक इम्प्रेस भी हो जाती है मीम के ही जरिए। तो तुम इतना याद रखना, अगर तुम किसी अनजान लड़की को जल्दी से जल्दी इम्प्रेस करना चाहते हो ना तो मीम के जरिए ज़्यादा बात करो, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और ये पहली चैट में ज़्यादा ट्राई करोगे ना तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि लड़कियों को मीम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जब मैंने इसको ये वाला मीम्स भेजा ना तो इसने मतलब हंस कर कहा वेरी फनी, ये बहुत ज़्यादा हंस रही थी, देखो इसने कहा वेरी फनी। मैंने कहा तुम हंसती हुई पता है कैसी लगती हो। तो इसने कहा कैसी। मैंने कहा एकदम प्रियंका चोपड़ा जैसी। तो इसने कहा ओ रियली। मैंने कहा यस, बर्फी मूवी की प्रियंका चोपड़ा। तो यहाँ पर तुमने भी देखा होगा बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा कैसी होती है। तो यहाँ पर इसने मतलब मैंने इससे जानकर ऐसी बात बोली इसको हंसाने के लिए। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया मुक्के वाला और कहा सेट अप। मैंने कहा ओ इंग्लिश। तो यहाँ पर ना तुम्हें मतलब लड़की से फनी चैट करने के लिए इसी तरह के टॉपिक निकालने, इसी तरह के टॉपिक पर बात करनी है, जैसे मैंने इससे कहा बर्फी मूवी की प्रियंका चोपड़ा लग रही हो इस तरह से। तो जब मैंने कहा ओ इंग्लिश, तो इसने कहा यस एनी प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं जी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बस मैं तो ये सोच रहा था कि कितनी देर तक बोलोगी। और हंसने लगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो हम तुम कोई भी हो, ज़्यादातर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, तो कितनी इंग्लिश बोलते हैं, हाय हेलो कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये सब बातें तो हम इंग्लिश में करते हैं, उसके बाद हिंदी पर ही आ जाते हैं, बाकी चैट हमारी हिंदी में होती है। तो इसलिए मैं इससे बोल रहा था कि कहाँ तक बोलोगी। तो इसने कहा ओ जैसे तुम तो बहुत बड़े अंग्रेज हो। तो मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे इंग्लिश आती है, और हंसने लगा। तो इसने कहा बाय। मैंने कहा क्या बार बार बाय बोलती हो, तुम्हारी कौन सा ट्रेन मिस हो जाएगी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा तुम्हें कौन सा किराए की साइकिल वापस करनी है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो ये बात सुनकर ये हंसने लगी। इसने कहा क्या क्या बोलते हो, हमारे पास किराए की नहीं खुद की साइकिल है। मैंने कहा खुद की मतलब तुम किराए पर देते हो क्या साइकिल, और हंसने लगा। तो तुम्हें फनी चैट करनी है ना तो तुम्हें इसी तरह की बातें करनी है लड़की से। देखो एक एक टॉपिक अच्छे से समझ लो, अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मीम्स का ध्यान रखना है, मीम्स में ज़्यादा बात करनी है, और इसी तरह से जैसे मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इससे कहा था खुद मतलब तुम देते हो किराए पर साइकिल, तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा क्या इंसान हो यार तुम। मैंने कहा क्यों, अभी तक क्या मैं तुम्हें कोई मिल गया का एलियन लग रहा था, और हंसने लगा। इसने कहा एलियन नहीं, तुम जोकर हो बहुत बड़े वाले, ये बोलकर ये हंसने लगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला मीम सेंड किया। मैंने कहा अच्छा बात नहीं है ये। तो यहाँ पर ये बहुत ज़ोर से हंसने लगी। इसने कहा तो क्या अच्छा है, बट आई लाइक जोकर, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला मीम सेंड किया। इस मीम को देखकर ये ज़ोर से हंसने लगी। इसने कहा इतने खुशमत हो, जोकर पसंद है तुम नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब था मुझे जोकर पसंद है, तुम पसंद नहीं हो, मतलब ये भी मेरे साथ मजाक कर रही थी। ये सुनकर मैं कहने लगा हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हम कौन सा बिना हैंड वॉश किए खाना खाते हैं।
ये बोलकर मैं हंसने लगा। तो यहाँ पर अभी मैं तुम्हें इतनी ही चैट दिखाऊंगा, पहले ये ट्राई करो तुम किसी भी अनजान लड़की से जाकर, ठीक है? तो वो काफ़ी हद तक तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो अगर तुम इसका आगे का पार्ट भी चाहते हो कि आगे और फनी चैट करूँ, तो कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना दूंगा। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।